मुल्तान शहर, वहां इनके चार बेटे हुए जिनमें सबसे छोटे थे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी की जन्म स्थली मुल्तान है जो आज पाकिस्तान में। और एक इनकी बेटी थी, चार पुत्र थे और एक कन्या थी। लेकिन प्रहलाद जी महाराज की बचपन से भगवत में वृत्ति थी, एकांत में बैठ जाते, भगवान का नाम जप किया करते थे, कभी नृत्य करते तो कभी आंखों से आंसू प्रहलाद जी के गिरने लगते थे। तो एक दिन माँ कयाधु ने देखा तो अपने पति हिरण्यकश्यपु से बोली कि देखो जी, ये जो प्रहलाद है सबसे छोटा हमारा बेटा, मैं इसे कभी कभी देखती हूँ कि आंखें बंद करके बैठ जाता है, रोने लगता है, और कभी रोते रोते एकदम खड़ा होकर के फिर नृत्य करने लगता है, और कभी कभी तो ये भागता है जैसे किसी को पकड़ रहा है। न जाने इसका कैसा स्वभाव है। अब तो 5 वर्ष के हो गए हैं प्रहलाद, इनको पढ़ने के लिए भेजो। तो दोनों पति पत्नी में ऐसा विचार विमर्श हुआ और हिरण्यकश्यपु ने संडामर्क को बुलाया। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, संड और अमर्क, ये गुरुकुल चलाया करते थे। तो संडामर्क को बुलाया और कहा कि आप मेरे पुत्र को लेकर के गुरुकुल में जाएं और इनको शिक्षा प्रदान करें। प्रहलाद जी को लेकर के गए, धर्म की, अर्थ की, काम की शिक्षा दी गई। जब पढ़कर के प्रहलाद जी महाराज लौटे तो पिता ने पूछा कि बेटा, आप इतने दिन रहे गुरुकुल में, आपने अपने गुरुदेव से क्या सीखा? तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, आप ये बताइए, जो गुरुजी ने हमें सिखाया वो हम आपको बताएं, या हमने अपने मन से भी कुछ अच्छी बात सीखी है? तो जैसे हम बच्चों से कभी कभी पूछते हैं ना कि बेटा, तुम स्कूल में क्या पढ़ करके आए हो, क्या तुमने सीखा? तो कभी कभी बच्चे स्कूल की बात बताते हैं, अपनी पढ़ाई की बात बताते हैं, लेकिन हम बच्चों से जब ये पूछते हैं कि नहीं तुमने कोई अच्छी बात सीखी, तो बच्चे एकदम उत्साह में किसी खेल के बारे में या कोई और अपनी जहां रुचि है उनकी वो बात बताते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज भी एकदम प्रसन्न चित्त होकर अपने पिता को बोले कि तत्साधु मन्ये सुरवय देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहा हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, आप यदि गुस्से न हो तो एक बात कहूं, क्योंकि देखो पिता का कितना आदर करते हैं, कि आप नाराज नहीं होना, क्योंकि आपने पूछा है कि मैंने अच्छी बात क्या समझी है, क्या सीखी है वो, क्योंकि आपने स्कूल की बात मेरे से नहीं पूछी। यदि वो पूछते तो शायद प्रहलाद जी बता देते, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे प्रहलाद। लेकिन पिता ने कहा कि तूने जो अच्छी मन में विचार की है बात, या जिस पर तुम चलते हो या चलना चाहते हो, वो कौन सा मार्ग तुमने सीखा? तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि पिताजी, मैंने तो एक ही बात को समझा है जो मेरे जीवन का निचोड़ है। प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार का जितना भी संबंध है ये केवल देह तक है, शरीर तक है। इस देह के अंदर जो देही बैठा है, इस शरीर के अंदर जो शरीरी बैठा है, इस क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ बैठा है, वो शाश्वत है, और उस आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। पिताजी, हम संसार के कार्य करें वो जरूरी है जीने के लिए, जीवनोपार्जन के लिए, लेकिन इस मानव जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, प्रहलाद जी कहते हैं, बोले वो भगवत भजन है। हम परमात्मा के भजन को करना कभी न छोड़ें। विष्णु का भजन, परमात्मा का भजन अवश्य हो।
अब अपने पुत्र के मुख से बात सुनकर के एकदम हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया और संडामर्क को कहा कि आप मेरे पुत्र प्रह्लाद को ले जाओ और ठीक प्रकार से शिक्षा देना, ये फिर कहीं मेरे बैरी विष्णु का नाम लेना ना सीखे। तो देखो फिर प्रह्लाद जी पढ़ने को गए, लेकिन फिर जब दोबारा पढ़कर के लौटे थे विद्यालय से तो पिता ने फिर प्रश्न वही किया, तो प्रह्लाद जी एक ही बात बोले हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन। प्रह्लाद जी ने ये भक्ति के 9 मार्ग भागवत में प्रकट किए हैं। प्रह्लाद जी कहते हैं कि पिताजी ये 9 मार्ग परमात्मा की ओर जा रहे हैं, आप किसी मार्ग से चलो, चाहे श्रवण मार्ग हो, चाहे कीर्तन हो, स्मरण हो, पाद सेवन हो, अर्चनम हो, वंदनम हो, दास्यम हो, सक्षम हो या आत्मनिवेदन हो, जिस मार्ग से आप जाएंगे वहीं आपको साक्षात परमात्मा बैठा हुआ मिलेगा। चाहे गीता वाचिए और चाहे पढ़िए कुरान, चाहे गीता वाचिए चाहे पढ़िए कुरान, लेकिन मेरा तेरा प्रेम ही सब ग्रंथों का ज्ञान, यही ज्ञान है। प्रह्लाद जी महाराज ने उस भक्ति प्रेम के बारे में जब चर्चा की, हिरण्यकश्यपु एकदम क्रोधित हो गए और प्रह्लाद जी को, यह विष्णु पुराण का प्रसंग है, प्रह्लाद जी को बहुत कष्ट दिए। प्रह्लाद जी को पहाड़ से फेंका, प्रह्लाद जी महाराज को जहर दिया, प्रह्लाद जी को होली आप अभी भी मना के चुके हो, डुंडा होलिका ने जलाने का प्रयास किया। ये होली का जो पर्व हम मनाते हैं ये भी कथा प्रह्लाद जी के जीवन से ही जुड़ी है, होलिका दहन, ये प्रह्लाद जी की भुआ थी, प्रेम से कहो श्री राधे, डुंडा होलिका जी। एक दिन संडामर्क आए थे और आकर के संडामर्क ने कहा कि महाराज आप उदास क्यों हैं, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, मैंने इस प्रह्लाद को मारने के अनेक प्रयोग किए लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती। तो संडामर्क जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, हमारे साथ गुरुकुल में भेज दीजिए, क्योंकि हमारे पिता जो शुक्राचार्य जी हैं वो अनेक मरण विद्याओं को जानते हैं और इस समय यज्ञ कराने के लिए वो गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो हमारे पिता से प्रह्लाद को मारने का कोई प्रयोग पूछना। तो लेकर के प्रह्लाद जी को गए हैं गुरुकुल में, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। देखो समय पर प्रह्लाद जी को भोजन मिलता, समय पर प्रह्लाद जी को वस्त्र दे देते थे, लेकिन एक दिन गुरुदेव की आंखों में आंसू भर आए। संडामर्क जी ने कहा कि बेटा प्रह्लाद देख कितने दिन से तू कमरे में बंद है, और देख प्रह्लाद पिता के बाद तो तू ही गद्दी पर बैठेगा ना, तो तू ऐसा क्यों नहीं करता, कुछ दिन के लिए भगवान का भजन करना छोड़ दे। लेकिन प्रह्लाद जी ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे खाने को मत दो, आप मुझे पहनने को वस्त्र मत दो, और मुझे कोई वस्तु आपसे अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप मेरे से भगवान का नाम मत छुड़ाओ। मैं प्रभु के नाम को नहीं छोड़ सकता, एक क्षण को भी मैं प्रभु का नाम बंद नहीं कर सकता हूं। जब संडामर्क ने, क्योंकि पढ़ाते थे संडामर्क गुरुकुल में, प्रह्लाद की बात को सुनकर के बोले कि बेटा अच्छा तुझे हमसे कोई चीज चाहिए तो मांग ले। प्रह्लाद जी ने कहा गुरुदेव मांगू, आप दोगे? हाँ। तो प्रह्लाद जी ने कोई खाने की वस्तु नहीं मांगी, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मांगा। प्रह्लाद जी ने कहा कि गुरुदेव मैं बैठ करके अंदर कमरे में भगवान नाम संकीर्तन करता हूं, तो ताली बजा बजा करके मैं कीर्तन करता हूं। आप लोगों से मैं ताली जो बजवाता हूं ना, ये कोई हमने कीर्तन में भागवत में शुरू नहीं कराई है, ये भागवत में लिखा है,
कि प्रहलादस तालधारी, प्रहलाद जी महाराज ने सबसे पहले भगवान के नाम, जब नाम को गाया था, कीर्तन किया था, तो सबसे पहले ताली का प्रयोग प्रहलाद जी के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था। ये ताल प्रहलाद जी महाराज ने बजाई थी। उससे पहले कोई ताली की प्रथा नहीं थी, प्रहलाद जी ने शुरुआत की है, भक्त प्रहलाद। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरुजी, मैं अंदर बैठकर के भगवान नाम संकीर्तन करता हूं ताली बजा बजा कर, तो हमारे हाथ दुख जाते हैं, छोटे बालक थे अभी तो। गुरुदेव, आप हमें एक नई करताल की जोड़ी ला करके दे दो। अब संडामर्क सोचने लगे कि अंदर बैठा बैठा कुछ भी करे, चलो एक नई करताल की जोड़ी ला करके दे दी। अब बाहर से तो उस कमरे की कुंडी गुरुजी ने लगा दी और बाहर से द्वार बंद, अंदर से बंद कर लिया प्रहलाद जी ने, और एकांत में बैठ करके प्रहलाद जी भगवान नाम संकीर्तन करते थे। अब एक दिन विद्यालय में आचार्य नहीं, पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं, तो आप जानते हो जब स्कूल में अध्यापक ना हो तो बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं, तो सब दैत्य बालक अपनी अपनी क्लासों से बाहर निकल आए और बोले, भैया इस सामने के कमरे में हमारा मित्र प्रहलाद बंद है, चलो थोड़ी देर प्रहलाद को बाहर निकालकर उनके साथ हम खेलें। तो प्रहलाद जी को बाहर निकाला और सब दैत्य बालक बोले कि हमारे साथ खेलो। तो प्रहलाद जी बोले हैं कि भैया, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा, यदि तुम मेरा खेल खेलो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूं। दैत्य बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दैत्य बालक बोले कि प्रहलाद जी को किसने खेल सिखाए, हमारे गुरु तो संडामर्क हैं, स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, खेल भी सिखाते हैं, लेकिन इनके गुरु कौन है, पढ़ते तो यही है। तो जब प्रहलाद जी को पूछा कि प्रहलाद जी आपके गुरु कौन है, जो आप जिस खेल की बात कर रहे हैं, प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरु संडामर्क जी नहीं है, मेरे जो गुरुदेव हैं वो नारद हैं, जो संकीर्तन सम्राट हैं, जो परम भागवत हैं। कहां मिले आपको, हमने तो कभी नारद जी को नहीं देखा। तो प्रहलाद जी महाराज बोले हैं कि जिस समय मेरी मां गर्भवती थी और मैं मां के पेट में था, तो पीछे से इंद्र मेरी मां की हत्या करने के लिए ले जा रहा था, क्योंकि पिता गए हुए थे तप करने के लिए। अकेली देख करके मेरी मां की हत्या करने के लिए इंद्र ले जा रहा था, जब नारद जी के आश्रम से निकला तो नारद जी ने कहा कि अरे दुष्ट इंद्र, एक तो अबला, दूसरे गर्भवती और तीसरे इसके घर में तुझे मालूम है कौन बैठा है, भगवान का भक्त बैठा है और तू मारने चला है। तो नारद जी ने मेरी मां को इंद्र से छुड़ा लिया और अपने आश्रम पर रखा, मेरी मां को मेरे गुरुदेव भगवान की कथा सुनाते थे, भगवान के नाम की महिमा को गाते थे। तो मैंने मां के गर्भ में ही भगवान के नाम की महिमा को जान लिया कि परमात्मा के नाम में कितना शक्ति है। इसीलिए जब माताएं गर्भ धारण करें तो अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा मां पढ़ती है, चिंतन करती है, वैसा ही प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। आज का मेडिकल साइंस इस बात को मान रहा है, लेकिन भागवत में यह बात पहले से ही लिखी है। प्रहलाद जी ने पहले ही यह बात कह दी कि मैंने मां के गर्भ में सब कुछ सीख लिया, भगवान के नाम की महिमा को मैंने जान लिया है। तो प्रहलाद जी महाराज से सभी दैत्य बालक बोले कि आपके गुरुदेव ने क्या खेल आपको सिखाया, थोड़ा बताएं। तो प्रहलाद जी ने कहा, देखो मेरे गुरु जी ने मुझे कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञ, मेरे गुरुजी का यह आदेश है कि भागवत धर्म कौमार अवस्था से ही होना चाहिए। इस पर तो हम आगे भागवत धर्म की चर्चा करेंगे, लेकिन भागवत धर्म कोई अलग से नहीं है, यह ध्यान रखना। कभी कभी लोगों को शंका हो जाती है कोई अलग धर्म है भागवत में, भागवत धर्म नहीं, नहीं, भागवत धर्म उसे कहते हैं
जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, माने जिससे परमात्मा प्रसन्न हो वो कर्म ही भागवत धर्म कहलाता है। कोई अलग से धर्म नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए उसे कहते हैं भागवत धर्म, भागवत कर्म। तो प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर यहां भागवत धर्म की व्याख्या की है भागवत जी में, लेकिन दैत्य बालकों से कहा कि मेरे गुरुजी का यदि आप खेल देखना चाहते हो तो अपने अपने घर से मजीरा खड़ताल ढोल की बाजा लाओ, क्योंकि प्रहलाद जी को मालूम था कि ये दैत्य बालक हैं, इनकी तामसी वृत्ति है और तमोगुणी वृत्ति होने के कारण इनका जो दिमाग है हमेशा गलत ओर चलता है, तो इनके चित्त को मुझे शुद्ध करना है। तो देखो खेल ही खेल में भगवान नाम का आश्रय लेकर के उन सभी अपने मित्र दैत्य बालकों को भी परमात्मा से प्रहलाद जी कैसे जोड़ रहे हैं, कितना सुंदर युक्ति से ईश्वर से जोड़ रहे हैं। तो आओ हम लोग भी चलें प्रहलाद जी के साथ थोड़ा, पर ताली तो अवश्य बजानी पड़ेगी क्योंकि प्रहलाद जी कीर्तन करा रहे हैं, प्रभु नाम संकीर्तन, क्योंकि वही